एमपीएल सर्कुटल लॉ देखिए इसका हिंदी क्या होगा, एमपीएल का परिपथीय नियम क्या होगा, एमपीएल का परिपथीय नियम यह जस्ट लाइक समझ लीजिए क्या है, गॉस थ्योरम, क्या है गॉस थ्योरम ना, तब बीबीआई लगा ले जीबीआई लगा लीजिए एम्पियर सर्कुलर लॉ को। यह जो होता है जैसे हम लोग क्या कहे थे, किसी क्लोज सरफेस से घिरे बंद आवेश जो होता है, बंद आवेश पर आने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, गॉस थ्योरम में क्या बताया था आपको, किसी बंद सतह से घिरे इनोड आवेश जो होता है इसका जो टोटल इस पर जो फ्लक्स आएगा क्या आएगा, फ्लक्स आएगा, तो फ्लक्स जो होगा वह किसके बराबर होता है, वह 1/ε0 का कितना गुना होता है, वह मतलब टोटल इनक्लोज चार्ज का, किसका, टोटल इनक्लोज चार्ज का होता है। लेकिन यहाँ जो होगा, यहाँ तो परिपथीय है तो यहाँ धारा जाएगी, क्या जाएगी, यहाँ पर धारा जाएगी। लिखिए लिखिए इसके अनुसार किसी बंद या क्लोज सरफेस, इसके अनुसार किसी क्लोज सरफेस के, इसके अनुसार किसी क्लोज सरफेस लीजिएगा, क्लोज लूप CLOSC, इसके अनुसार क्लोज लूप किसी का, हाँ लिखिए ना, इसके अनुसार किसी क्लोज लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र का लाइन इंटीग्रेशन, चुंबकीय क्षेत्र का लाइन इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन, चुंबकीय क्षेत्र का लाइन इंटीग्रेशन, लिखे लाइन इंटीग्रेशन, हाँ, उस क्लोज लूप में से गुजरने वाली, उस क्लोज लूप में से गुजरने वाली, उस क्लोज लूप में से गुजरने वाली, उस क्लोज लूप में से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा का, कुल विद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है, म्यू नॉट गुना होता है, होता है। चलिए देखिए, यह कोई एक वायर है, है ना, इसे क्या जा रहा, आई आई जा रहा, विद्युत धारा जा रहा, और इसका कोई एक चुंबकीय क्षेत्र क्लोज लूप है, है ना, यह क्या है, क्लोज लूप चुंबकीय क्षेत्र, हम कैसे बना दी, तुम कभी चलो आपके कर दी ऐसे बना, ठीक है, तो यह क्लोज लूप है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इस चुंबकीय क्षेत्र की त्रिज्या कितनी है बताइए, तो कैपिटल आर मान लेते हैं, और यहाँ पर आईडीएल मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, छोटा सा करंट एलिमेंट के कारण, तो यहाँ क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र, यह क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो इस कंडीशन में देखिए क्या होगा, कि क्या बोल रहा है एम्पियर, कि किसी क्लोज लूप के लिए, किसी क्लोज लूप के लिए क्या होता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र, किसी क्लोज लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वह उस चुंबकीय क्षेत्र के लाइन इंटीग्रेशन के म्यू नॉट गुना होता है, ठीक है, मतलब कुल धारा का कितना गुना होता है, म्यू नॉट गुना होता है, मतलब लाइन इंटीग्रेशन क्या होगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, म्यू नॉट इंटू आई, क्या करना है प्रूफ, म्यू नॉट इंटू लाइन इंटीग्रेशन का, उसका सिंबल है, प्रूव करना है, यही है एम्पियर सर्कुटल लॉ। चलिए देखिए वीआई करेंगे इसको, हाँ, अब देखिए प्रूफ में हम लोग देखते हैं, प्रूफ में देखते हैं, सबसे पहले आई बराबर क्या है, आई बराबर क्या है, आई बराबर किससे फ्लो हो रहा है, ये वायर से फ्लो हो रहा है, जब किसी कंडक्टर से वह आई फ्लो होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो यह क्या हो गया,
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, और यहीं पर आईडीएल लिए हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी किधर है, इसी डायरेक्शन में है। तो यहां पर देखिए तब तब किसका चुंबकीय क्षेत्र और किसका चुंबकीय क्षेत्र और किसका लाइन इंटीग्रेशन करना है, चुंबकीय क्षेत्र का लाइन इंटीग्रेशन जब करते हैं तो यानी कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है फॉर्मूला, क्रॉस होता है, डॉट में साइन कॉस होता है, बी डी एल कॉस थीटा, यह कॉस कॉस है, ए डॉट बी का क्या वेक्टर, ए डॉट वेक्टर बी का क्या फॉर्मूला होता है, ए बी कॉस थीटा होता है ना, और क्रॉस प्रोडक्ट का क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो यहां पर देखिए ये क्या होगा, इसमें से बताइए बी डी एल कॉस थीटा, यहाँ क्या करना है बताइए, इसका क्या करना है, इसको बाहर निकाल, अब दोनों आई डी एल और बी के बीच का एंगल कितना बन रहा है, जीरो डिग्री, तो जीरो डिग्री, तो यहाँ जो है एंगल कितना बन रहा है आई डी एल और बी के बीच, जीरो डिग्री, तो यहाँ जीरो बन रहा है, तो बी डी एल कॉस जीरो, कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है एक, तो ये क्या हो गया बी डी एल। अब देखिए हम लोग यहाँ बी का हम लोग फॉर्मूला रखेंगे, बायो सावर्ट लॉ से किसी कंडक्टर के लिए मतलब सर्कुलर कॉइल के लिए क्या होता था फॉर्मूला, होता था बी बराबर होता था, यहाँ पर बी बराबर क्या होता था, म्यू नॉट बाय फोर पाई इंटू टू आई होता था ना, टू आई इंटू टू आई बाय आर होता था, देख लीजिएगा जाके टू आई बाय आर इंटू क्या हो जाएगा डी एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी एल हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या बाहर आएगा, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, अब यहाँ पर बी इज इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा, म्यू नॉट टू आई बाय फोर पाई आर, देख लीजिएगा यही है, तो यहाँ पर टू आई बाहर आ गया आर भी बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा सिर्फ डी एल बचा, जब डी एल बचा तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, डी एल का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है एल, अब इसका लाइन इंटीग्रेशन मतलब क्या, पूरा का गोल का गोल, तो लिमिट कहाँ से कहाँ लेना होगा, जीरो से टू पाई, टू पाई आर तक लेना पड़ेगा, तो क्या होगा यहाँ पर क्या होगा बताइए, तो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू आई बटा आर, इसका एल हो जाएगा, एल कहाँ से कहाँ तक लिमिट लेंगे, जीरो से टू पाई आर तक, तो यहाँ पर जो होगा लिख दीजिए म्यू नॉट बाय फोर पाई इंटू टू आई बाय आर इंटू इसका क्या रखेंगे टू पाई आर माइनस जीरो रखेंगे, रखेंगे ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाय फोर पाई इंटू टू आई बाय आर इंटू टू पाई आर, आर आर कैंसिल हो गया, टू पाई पाई कैंसिल हो गया, टू टू कैंसिल हो गया, ये टू टू कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर लाइन इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल का क्या होता है म्यू नॉट इंटू आई, क्या यही प्रूफ करना था, तो हो गया प्रूफ, यहाँ लिखेंगे हेंस प्रूफ, कट कर दीजिए।